अयोध्या जनपद में अखिल भारतीय प्रधान संघ की बैठक में जिला कमेटी का गठन किया गया। बैठक में संघ के जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। बैठक के बाद जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने सरकार पर प्रधानों पर बेवजह दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने रोजगार देने के नाम पर पंचायत सहायक, महिला मेट और वेंडर की भर्ती करने का फरमान तो जारी किया है, लेकिन इनका मानदेय ग्राम पंचायत का विकास करने के पैसे से देने का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में नुकसान सिर्फ गांव का हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेशक भर्ती की जाए, लेकिन इनके मानदेय का बजट अलग से होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में जिलाध्यक्ष ने कहा, अगर सरकार प्रधानों को काम करने की स्वतंत्रता देते हुए मांगों को मानती है, तभी आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधान संगठन सरकार का साथ देगा, नहीं तो सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका संगठन आज के दौर में बहुत मजबूत है और किसी भी प्रधान पर अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जो है जारोह ब्लॉक पे जाकर के ब्लॉक कमेटी का गठन कर दिया था ब्लॉक अध्यक्षों का, लेकिन अभी हमारी जिला कार्यकारिणी नहीं बन पाई थी, तो संगठन को और तेज करने के लिए और प्रधानों की मांगों के समर्थन में लड़ाई लड़ने के लिए हमें जिला कार्यकारिणी की जरूरत थी, जिसके लिए आज हमने अपनी पूरी जिला कार्यकारिणी का गठन करके घोषित किया है। कितने लोग काम में हमारे 7 महासचिव जिला हैं, 7 जिला उपाध्यक्ष हैं और 11 जिला सचिव हैं, बाकी हर ब्लॉक से 2-2 जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं। क्या रणनीति बनाएंगे आगे चुनाव आने में? रणनीति हमारी ये है कि प्रधानों के हक के लिए पूरा जिला संगठन बड़ी मजबूती से लड़ेगा। जिस हिसाब से सरकारों ने प्रधानों की स्वायत्तता छीनी है, प्रधानों के अधिकार छीने हैं, और वहाँ से हमारी हमारा गांव पंचायत खुद स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसको सही रूप से सरकारों द्वारा काम नहीं किया करने दिया जा रहा। बार बार जो है तानाशाही पूर्वक तरीके से आदेश दे दिया जाता है कि ये करिए और ऐसा करिए, मानदेय दीजिए या हमारे हिसाब से काम करिए। उस पूरी व्यवस्था का हमारा संगठन विरोध करेगा और प्रधानों के हक और अधिकार के लिए 73वें संविधान संशोधन को पूरी तरीके लागू करने के लिए पूरी दमदारी से संगठन आपका लड़ेगा।